लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, नई माँ बनी है तो अपनाएं ये 5 हेल्दी टिप्स, मौसम में आए बदलाव से नहीं पड़ेगी बीमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। कभी कभी तो काफ़ी ठंड के कारण लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ये समस्या उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून दक्षिण अरब सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों में कई प्रदेशों में तेज बरसात हो सकती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने की चेतावनी भी जारी की गई है। कई जगहों पर अंधड़, मेघ गर्जन, बारिश हो सकती है। इस मौसम में बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाओं को सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही नई माँ के लिए भी ये मौसम मुसीबत ला सकता है। इस मौसम में अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। हेल्दी रहने के लिए भी कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो पहला है, डाइट में प्रोटीन और आयरन को शामिल करें। जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया है उनके लिए ये समय बेहद नाजुक है। पल पल बदलते मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है। नवजात शिशु का स्वास्थ्य माँ से जुड़ा होता है। अगर माँ बीमार होगी तो शिशु को ठीक से स्तनपान नहीं करा पाएगी। इसका असर शिशु की सेहत पर भी पड़ेगा। इसलिए इस मौसम में हेल्दी डाइट लें। अपनी डाइट में आयरन और प्रोटीन रिच फूड को शामिल करें। इस मौसम में घर का बना ताज़ा और पका हुआ भोजन ही खाएं। पत्तेदार सब्जियों से बचें और साबुत अनाज, दाल, सब्जियों का सेवन करें। दूसरा है, साफ सफाई का ख्याल रखें। इस मौसम में बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का ख्याल रखें। बारिश या ठंडे मौसम में बैक्टीरियल, फंगल और वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। कुछ भी खाने से पहले बच्चों को अच्छी तरह से कुछ भी खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। दिन में एक बार स्नान जरूर करें, हो सके तो दो बार करें। साफ कपड़े ही पहने। नई माओं को वजाइनल इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वजाइना को ड्राई और साफ रखें। रोजाना एक्सरसाइज करें। नई माओं को रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से शरीर से पसीने के फॉर्म में विषैले तत्व शरीर के बाहर निकल जाते हैं। एक्सरसाइज करने से इम्यूनिटी बढ़ती है और बीमारियों का खतरा कम होता है। आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकती हैं। इंटेंस वर्कआउट करने के बजाय योगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वॉक या हल्के व्यायाम कर सकती हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखें। नई माँ को इस मौसम में हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। सुबह एक गिलास गुनगुने पानी का सेवन करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और बीमारियों से बचाव होगा। हाइड्रेशन के लिए नींबू पानी का सेवन भी कर सकती हैं। इसे पीने से शरीर के विषैले तत्व निकल जाते हैं। नींबू पानी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। नींद पूरी लें, टेक स्लीप प्रॉपरली। नई माओ का बीमारी की चपेट में आने का एक कारण है नींद ना पूरी होना। शिशु की देखभाल में माँ को दिन रात एक करना पड़ता है। ऐसे में जो आराम ना करने के कारण बीमार पड़ जाती हैं। जब नींद पूरी नहीं होती है तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। नींद पूरी करने से तनाव घटता है और शरीर आपका हेल्दी रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।